मुस्लिम लीग नून का जिमनी इलेक्शन में लाहौर से क्लीन स्वीप, कौमी असम्बली के एक और पंजाब असम्बली के चार हलकों में फतेह समेटी। गैर हतमी नतज के मुताबिक एन ए 119 से अली परवेज मलिक 61,086 वोट लेकर कामयाब। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के शहजाद फरूक 34,197 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। पीपी 158 से चौधरी नवाज लुथर 40,165 वोट लेकर जीत गए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चौधरी मोनिस इलाही 28,018 वोट ले सके। लाहौर के पांच हलकों में जिमनी इलेक्शन, पीपी 164 से नून लीग के राशिद मिनास 31,499 वोट लेकर कामयाब करार। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार यूसुफ म्यू 25,781 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। पीपी 147 से नून लीग के मलिक मोहम्मद रियाज 31,841 वोट लेकर जीत गए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मोहम्मद खान मदनी ने 16,548 वोट हासिल किए। पीपी 149 से नून लीग और आईपीपी के मुश्तरका उम्मीदवार ने मैदान मार लिया। शोएब सिद्दीकी 47,722 वोट लेकर कामयाब करा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हाफिज निशान रशीद 26,200 वोट ले सके। और पंजाब असम्बली का प्री बजट इजलास आज होगा। इजलास में माली साल 2024 और 25 के बजट पर तजवीज़ पेश की जाएंगी। अपोजिशन और हुकूमती अरकान की तजवीज़ पर गौर होगा। प्री बजट इजलास में अरकीन असम्बली अपने अपने हलकों से मुतल्लिक तजवीज़ देंगे।